हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नए फोन की Vivo V25 की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं, जो बड़ा ही मस्त और यूनिक और कम प्राइस में अच्छे फीचर के साथ अपडेट करके निकाला है। तो आज दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मैं पंकज मैनवाल आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। इसका सर्फिंग ब्लू है, ये इसका जो कलर है, इसके सरफेस पे जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं और उस पर लाइट करते हैं तो उस पर छूट जाता है, और बड़ा ही मस्त यूनिक सिस्टम होता है। मतलब इसने अपना ही जो सॉफ्टवेयर है खुद ही विकसित कर लिया, उसके बारे में ये है। चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये इसका मोबाइल आया है, मोबाइल किट मैं इसे दिखा रहा हूँ आपको। चलो इसे मैं एक साइड रखता हूँ कुछ देर के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स, ये इसकी मेनू बार, अरे ये इसका केस है, प्लास्टिक केस, मस्त। देखो मतलब बहुत कम मोबाइल के साथ उसके केस आते हैं, पर फिर भी काफ़ी वो यूनिक चीज़ है ऐसा। और उसमें हाँ, ये सिम स्लाइड वगैरह बाहर निकालने के लिए पिन दी है, इसकी पिन भी इसकी स्टाइलिश से दी है। मोबाइल के लिए जितने आज तक मैंने देखा उसमें पहली पिन देख रहा हूँ जो इस तरह की होती है। बड़ी देखो, बड़ा यूनिक सा सिस्टम है। आपने देखा यू सेम बनी होती थी, मतलब बड़ा ही सिस्टम अच्छा लगा है मुझे। मोबाइल देखो फिनिशिंग है ना, है ना। और इसमें एक कूलिंग सिस्टम भी ऑटोमेटिक दिया, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है इसके अंदर। वीवो का V25 मोबाइल के बारे में, जिसकी रैम 12 GB है और जो रोम है, हार्ड डिस्क है, वो 256 GB है, जो बड़ा ही मस्त और अंडर प्राइस 30,000 के आसपास इसका प्राइस रेट रखा गया है इंडिया हरिद्वार में। मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। तो काफ़ी मस्त, और जो कैमरे की डिस्प्ले की बात करते हैं वो दी गई है 60Hz। इसका स्क्रीन देखो, टच करके महसूस करके देखो क्या मस्त चीज़ दी है, एकदम खुद ही महसूस हो जाएगा क्या चीज़ है। क्योंकि मैंने कुछ फ़ोन देखे 60Hz के भी, वे भी बड़े स्मूथ चलते हैं और ये तो उनसे भी प्लस है 90Hz तक, तो बड़ा ही मस्त चीज़ है। इसकी जो डिस्प्ले का साइज दिया है वो 16.35 सेंटीमीटर, 16.35 सेंटीमीटर इसका स्क्रीन साइज दिया गया है, जो एक बड़ा और सिंगल हैंड आराम से इसे हम देखो जो टच कर सकते हैं। और इसका मैं चलाने की बात करता हूँ, मैं इसके चला के दिखाता हूँ, बात करता हूँ इसके कैमरे की, इसकी स्क्रीन की। मैं इसे ओपन करता हूँ। इसका जो स्क्रीन बड़ी ही स्मूथ चलती है, क्योंकि 90Hz की स्क्रीन तो अलग ही मस्त होता है। ये इसमें ऐप्स वगैरह आप अपने हिसाब से अनइंस्टॉल और इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे मैं फेसबुक दिखाता हूँ। ये अच्छा प्रोसेसिंग है इसमें भी, और इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, ये भी अच्छा प्रोसेसिंग है इसमें। और जैसे हम इसकी अबाउट व्यू के बारे में बताए, 2.4 GHz डायमेंशन 900 ओक्टा कोर इसमें प्रोसेस लगा हुआ है, क्या मस्त है। और इसकी रैम तो आपको मैंने बता दी है 12 GB + 8 GB, मतलब ये 12 GB और 8 GB दोनों को सपोर्ट कर सकता है, और 256 GB मैंने आपको इसकी इंटरनल स्टोरेज बता। और एंड्रॉयड वर्जन 12 है, क्या मस्त है, 12 एंड्रॉयड वर्जन है इसका, मस्त। इसके बारे में इसका देखो लुक, देखो क्या मस्त है लुक वाइज। और जैसे हम इसमें गेमिंग की बात करते हैं तो गेमिंग भी, क्योंकि 12 GB इसकी रैम है तो स्पीड प्रोसेस इतना मस्त चलेगा, क्या बात ना पूछे। इसमें जैसे स्क्रीन लॉक होता है वो फिंगर के साथ लॉक मिल जाता है, और उसी के साथ साथ सिंगल स्पीकर और डबल माइक इसके साथ साथ आपको मिलता है, बड़ा ही मस्त। अगर सिंगल की जगह डबल सिम स्टूडियो स्पीकर लग जाता तो उसकी बात ही कुछ होती है। एक सबसे मेन चीज इसमें जो मैं थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज बताता हूँ, इसमें एनिमेशन सही नहीं दिया है। जैसे हम ये इसे हटाता हूँ एकदम हटता हुआ दिख रहा है, एनिमेशन इसका मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा है, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अंदर जो हीटिंग की प्रॉब्लम गेम खेलते हुए तो वो इसमें लिक्विड इंजन का भी एक सिस्टम दिया हुआ है, जो आराम से मोबाइल को कूल करती रहती है। इसके अंदर जो बैटरी है वो 4500 mAh की बैटरी है।
इसके अंदर जो अडोप्टर दिया है पावर अडोप्टर वो 44 वोट का दिया है, जिसका चार्जिंग टाइम करीबन इसका होता है 1 घंटा 15 मिनट के आसपास ही इसे फुल चार्ज कर देता है। इसके जो कैमरे की बात करें वो 60 मेगापिक्सल OIS कैमरा मिलेगा और 8 मेगापिक्सल सेकंड कैमरा मिलेगा और 2 मेगापिक्सल इसका थर्ड कैमरा मिलेगा और फ्रंट मिलेगा इसका 50 मेगापिक्सल कैमरा। इसका फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का बहुत ही सही काम कर रहा है और मैं आपको इसकी सेल्फी के फोटो दिखाता हूँ और इसके फ्रंट कैमरे के भी फोटो दिखाता हूँ। इसके जो कैमरे में बात करते हैं, इसके स्टेबलाइजेशन भी बहुत मस्त है। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा हिलता डुलता कैमरा है तो वो अपना ही वीडियो को कैप्चर कर लेता है सही से, ना कि उसे हिलता डुलता नहीं दिखाता। जैसे उसमें सेंसर दिए होते हैं तो ऑटोमेटिक वो ऐसे हिलना हिलना बिल्कुल बंद कर देता है और उसे ऑब्जेक्ट हिलता रहता है तो उसे स्टेबल करके उसका फोटो क्लिक कर सकता है आराम से। हम जैसे बाइक पर चल रहे उसका भी फोटो आराम से क्लिक करके दिखा सकता है। फोटो कैमरे देख, कैमरे का फोकस, मैं इसकी सेल्फी दिखाता हूँ आपको, मैं इसकी सेल्फी के फोटो दिखाऊंगा और जो इसकी वीडियो होती है मैं देखता हूँ। अरे 4K 3D क्या मस्त वीडियो सपोर्ट करता है। और दूसरा मैं इसका फ्रंट का भी देखता हूँ 1080 पिक्सल में और इसका मैं देखता हूँ 4K में भी सपोर्ट कर सकता है। अरे बाबा 4K में भी इसका सपोर्ट कर सकता है वैसा कैमरा, मतलब कुल मिला के मस्त चीज़ है जो भी है। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों।